मालूम होगा, जिनके घुटने बदलने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं कि घुटने बदलाएंगे या नीचे नहीं बैठ सकते, तो किसी भी सोमवार पर बड़ के पेड़ के नीचे 7 बड़ के पत्ते रखकर उसपे 7 शिवलिंग का निर्माण कर 7 शिवलिंग का निर्माण कर शंकर जी की आराधना करें और शिव की पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर शंकर भगवान का अभिषेक करें। उस अभिषेक के जल को थोड़ा सा एकाग्रित कर लें और उस जल को रख लें, फिर इसके अंदर रखकर 7 दिन तक लगातार उस जल का पान करें। अगर थोड़ा सा अभिषेक का घी बच जाए उसको घुटने पर मलना प्रारंभ करें, मात्र 7 दिन के अंदर घुटनों की दशाएं बदल जाती है। जो 7 शिवलिंग बनाए हैं उनको जल में विसर्जन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण नित्य करें। कौन सा मंत्र है? जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पहले भी कथा में कहा कि शिवरात्रि के दिन सारे देवताओं के मंदिरों में जाकर दर्शन का प्रमाण है, केवल एक देवता ऐसा है शंकर, अगर मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर का शिखर देखकर भी शिव का स्मरण कर सकते, शिखर दर्शनम सर्वभाव शिखर। आपको पहले भी कथा में कहा और कई लोगों को फायदा हुआ इसका कि शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के मंदिर के शिखर को देखकर चबा चबा कर खा लीजिए, जिंदगी में कभी घुटने और कमर का दर्द नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।